नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के ऊपर जब एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद कई तरफ जो है एक एक करके आवाज उठनी शुरू हुई, हर कोई उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। तो देखिए, आज हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर के आए हैं जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि अतीक अहमद के बेटे असद के जीवन की कहानी क्या थी और आखिरकार वो कैसे गुंडा बन गए और उसके बाद जो है उनके पास कितनी संपत्ति। तो चलिए तमाम जानकारियों के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। माफिया अतीक के आर्थिक साम्राज्य पर एक साथ इतनी बड़ी चोट पहुंचने से सहयोगियों करीबियों में खलबली मची हुई है। इससे पहले भी माफिया की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया था कि माफिया की प्रॉपर्टी को चिन्हित कर गैंगस्टर एक्ट के धारा 44(1) के तहत कुर्क किया जा रहा है। अपराध के जरिए अर्जित अतीक और उसके सहयोगियों की अन्य संपत्तियों का भी पता लगा कर कार्रवाई की जाएगी। हवेलिया में 1.8260 हेक्टेयर जमीन अतीक के अब्बा स्वर्गीय हाजी फिरोज और चाचा उस्मान के नाम बनाई गई थी। दूसरी जमीन हवेलिया में 1.1300 हेक्टेयर उस्मान के नाम पर बनाई गई थी। राजस्व विभाग के अनुसार दोनों जमीन का अनुमानित मूल्य 123,28,40,000 रुपये है। गैंगस्टर एक्ट और ध्वस्तीकरण के जरिए माफिया अतीक और गुर्गों को 1,000 करोड़ की आर्थिक चोट पहुंचाई गई। कसारी मसारी में अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के 10 करोड़ की दो जमीन कुर्क की गई। अशरफ के नाम पर 7 करोड़ रुपए का भूखंड कसारी मसारी में बनाया गया था जिसे जब्त किया गया। लखनऊ के सीतापुर रोड पर स्थित अतीक के 34 करोड़ रुपए के बंगले को भी कुर्क किया जा चुका है। पीपल गांव, अकबरपुर और रहीमाबाद में भी अतीक के नाम की 76 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। कौशाम्बी के रसूलाबाद कोयला स्थित 24 करोड़ रुपए की जमीन को गैंगस्टर एक्ट के में जब्त किया गया। चकिया में 40 करोड़ के पुश्तैनी मकान और करबला में 12 करोड़ के दफ्तर को JCB से ढाया गया। अंदाव झुंसी में अतीक की बीवी के नाम पर बनाए गए 30 करोड़ के कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई हुई। लूकरगंज में 85 करोड़ और नायाब यूसुफ रोड स्थित 18 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कब्जे में लिया। अतीक के गुर्गे मोहम्मद असद से 4 करोड़, साधु इमरान जई का 8 करोड़ का होटल और दफ्तर गिराया गया। माफिया के छोटे भाई अशरफ के साले जैद के 30 करोड़ रुपए के मकान JCB से गिराए गए। शिवकुटी में भतीजे के 8 करोड़ और शूटर कम्बो जाबिर आबिद प्रधान जुल्फिकार को करोड़ों का नुकसान। प्रवर्तन निदेशालय की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति और बैंक खातों को अटैच करने की कार्रवाई कर चुकी है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है असद अहमद को लेकर के लगातार बड़ी खबरें सामने निकल कर के आ रही हैं। और देखिए, यहाँ पर संपत्ति के मामले में भी देखा जाए तो यहाँ पर पहले भी यहाँ पर असद की भी ज़मीनें और असद के भी पैसे जो है वो कुर्क किए गए थे, लेकिन बावजूद उसके अभी भी संपत्ति उसके पास कितनी है वो किसी को नहीं पता था। कह सकते हैं कि जाते जाते अपने माँ बाप के लिए वो फिर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़मीन और पैसे तो छिपा ही गया है। बहरहाल, अतीक अहमद के एनकाउंटर के बाद जो है अब बातें खुलकर के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि असद के बाद जो है अतीक का भी एनकाउंटर कभी भी हो सकता है। अतीक अहमद के बेटे के लेकर के हमने तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।